हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जैम 2020 से लेके और जैम 2014 तक, 14 तक के सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़रे ऐप, और वहाँ पे आईआईटी जैम 21 के लिए और कंप्लीट कोर्स चल रहा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जैम 2020, मैं इसका एनालिसिस भी कर चुका हूँ, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे आपको पता ही लग जाएगा, खुद ही एनालिसिस हो जाएगा अभी। तो जैम 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ये देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये सारे ज़्यादातर क्वेश्चन बोहर मॉडल से आए हैं, आपको ऑटोमेटिक पता भी लग जाएगा। इन्होंने बोला द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन लाइक एटम। देखो उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन जैसा कोई एलिमेंट है उसमें आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको बताने की एब्जॉर्ब्ड हुई हो, वो वेवलेंथ इन्होंने दी है, वेवलेंथ दे दी 2.48 नैनोमीटर। द न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड निकालना आपको, वो एटम है कौन, बेसिकली वो ये पता करना चाह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन लाइक एटम है कौन। तो देखिए भाई हमारे पास ये रेडबर्ग इक्वेशन होती है 1 बाय लेमडा आर एच, इसे रेडबर्ग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जेड आपका इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, एन वन और एन टू। अब खास बात यह कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि आपका जो ट्रांजिशन हुआ हुआ, जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला हुआ, देखो जब भी कोई लोअर से हाइयर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या कि मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी जो होती है आपका वो होती है एन वन से एन टू। अगर वो एन वन से एन टू जाएगा तो वो जो गैप रहा होगा वहाँ पे एनर्जी मिनिमम रही होगी और जो लैम्डा है वो मैक्सिमम रहा होगा। ठीक है, अगर आपको एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो एन वन की वैल्यू लोवेस्ट होनी चाहिए और एन टू की वैल्यू हाइएस्ट होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो एनर्जी है वो हाइएस्ट आती है, लैम्डा मिनिमम आता है। तो इस पॉइंट से हमें ये पता लगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हमें ये पता लगा कि जो आपका एन वन है वो वन ही है और एन टू जो है वो टू ही है। क्यों? क्योंकि एन वन से एन टू में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, जब भी आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, तो यहाँ से ये वाली बात पता लगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 बाय लेमडा आर एच, ये यहाँ पे वन का स्क्वेयर किया, यहाँ पे टू का स्क्वेयर किया, इसको सोल्व किया फाइनली। तो हमें निकालना है जेड बेसिकली। तो देखो 1 बाय लेमडा, लेमडा की वैल्यू आपको नैनोमीटर में गिवन है, आर एच की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो मैंने इस नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने किया भाई यहाँ से, तो इसको लैम्डा की जब हमने पुट किया यहाँ से, तो ये आपका इस 10 की पावर -7 हो गया ये स्कोर। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो जेड स्केयर आपका 49 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप जेड निकालोगे तो वो फिर आपका 7 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो 7 था। तो देखो यार इसमें ना ये वाला ट्रिकी पॉइंट था कि बच्चों को अगर ये समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी गई है फिर वो आसानी से कर सकता है। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ अच्छा क्वेश्चन जरूर था भाई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, आपको लैंग्वेज के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ज़्यादातर क्वेश्चन लैंग्वेज ज़बरदस्त पूछी जाती है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी जैम 2019 में पूछा गया था। देखिए द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। पहली बात तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए भाई आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट बोले तो एन वन इज इक्वल टू वन ना, यानी कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, को आपको इन्फिनिटी पे लेके जाना, यानी कि एन टू की वैल्यू इन्फिनिटी। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन एन वन से एन इन्फिनिटी पे लेके जाना तो वहाँ पे जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज दिस। सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो इतनी है। तो आपको बताना है द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मैं बात करूँ, ये देखना इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपके पास ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से, और यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जाना है। तो एन वन की तो वैल्यू फिक्स होगी 1 और एन टू की वैल्यू फिक्स होगी इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 होता है इसका मतलब, और एन वन की वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है सीधी सी बात यहाँ पे कि जो ये डेल्टा ई है चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा। वैसे ये जर्नल फार्मूला है,
ठीक है, तो एन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अब हम सोडियम की बात कर रहे हैं, अगर आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 लिखोगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3s से निकलेगा, इसलिए एन की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 पुट कर दी। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ये हम नीचे लेके आए। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.83, ठीक है, 1.83 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी जेड को आप जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हो, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। सिंपल जो आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला उसे आप यूज करोगे तो ईजिली निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जैम 2016 में भी आया था, उसको डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जैम 2019 में ही आया था। तो देखिए क्या है, गिवन द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, उन्होंने बोला कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 53 पिकोमीटर है, आपको बताना है कि थर्ड की द रेडियस ऑफ इट्स थर्ड बोहर ऑर्बिट क्या रही होगी। तो देखो भाई, रेडियस का जो फार्मूला होता है वो 52.9 n² / z², ये पिकोमीटर में वैल्यू होती है। एक और वैल्यू होती है यहाँ पे 0.529 n² / z होता है, ये एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या करना है, हाइड्रोजन तो हाई इसलिए ये तो हटाई दो, यहाँ पे 1 आएगा और इस पर आपका थर्ड बोर ऑर्बिट पूछा तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, और 9 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 477 पिकोमीटर के इक्वल आ जाएगी। देखो भाई, मैंने है ना एक ट्रिक भी बना रखी इन सभी फार्मूलेज के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आती है, वेलोसिटी आती है, रेडियस, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी काफ़ी अच्छी, है ना। बच्चे भूल जाते कि किस में ऊपर एन होता है, किस में नीचे एन होता है ना, तो कन्फ्यूजन होती है। उसके लिए ट्रिक ये भाई, इरविन नाम का स्टूडेंट है, ये इर है, आर है, ये आर और ये वी है, इरविन नाम का स्टूडेंट है, वो जेड एन जेड स्कूल में जाता है और वहाँ का जो कोड है उसके स्कूल का वो 2221 है। इरविन नाम का स्टूडेंट जेड एन जेड स्कूल में जाता है और उसके स्कूल का कोड 2221 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भाई, जो ई है ना वहाँ पे जेड ऊपर होता है, और 2 स्क्वायर का मतलब समझना भाई, क्योंकि हमें पता जेड और एन ही होता है फार्मूले में। यहाँ पे 22 इसलिए लिखा गया है इसके नीचे 22, इसका मतलब होता है कि जेड का भी स्क्वायर कर दो और एन का भी स्क्वायर कर दो, है ना। आर की अगर मैं बात करूँ तो आर में एन ऊपर होता है, आर के जब रेडियस निकालोगे तो एन ऊपर होता है देखो, और इसका 2 का स्क्वायर, सिर्फ एक 2 लिखने का मतलब क्या कि इसी का स्क्वायर कर देना है। वी अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो ऊपर जेड होता है जेड, और नीचे क्या होता है भाई, जेड का एक ही रखना है और नीचे एन होता है। तो ये फार्मूले इस ट्रिक से बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, काफी बेहतरीन ट्रिक है और सिर्फ मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक है भाई, और किसी ने इस ट्रिक को बनाया नहीं है बेसिकली, तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप इन फार्मूलों को कभी नहीं भूलोगे अगर इस ट्रिक को याद रखते हो। तो ये इजी क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन भाई, MSQ टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया था जैम 2018 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इन्होंने बोला था कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, इनमें से कौन सा अलाउड नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि एक एन जो होता है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है, एल जो होता है उसे आपका एजुमिथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का काम क्या होता है, क्वांटम नंबर आपका इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ। तो देखो भाई, N और L की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, ये वाली बात आप याद रखिएगा कि N और L की वैल्यू कभी भी नहीं इक्वल होगी, और ML की जो वैल्यू होगी वो आपका -L2+L के बीच में होती है, -L2+L के बीच में होगी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 3, उसके बाद 2, उसके बाद -1, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये होगा। अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा बेसिकली बनेगा अरेंजमेंट, तो ये 3D बनेगा, क्योंकि L की जो वैल्यू 2 होती है वो D के लिए होती है, D सबसेल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो, अब देखो L की वैल्यू तो 0 है, ML की वैल्यू -1 कैसे हो सकती है भाई। ध्यान से देखिए कि L की वैल्यू 0 है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ML की जो वैल्यू है आपका वो -L2+L के बीच में लाई करती है, तो 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती थी, इसका मतलब ये वाला अलाउ नहीं करेगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है सेकेंड वाला। अब देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये 3F बन गया, और आपने कभी भी 3F तो देखा ही नहीं होगा, 3F कभी नहीं देखा, 4F से स्टार्ट होता है F, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो N और L कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है सारी कंडीशन को, ये बेसिकली आपका 5F बन जाएगा,
ठीक है भाई। तो इसमें बोला था कि नॉट अलाउड कौन से अलाउड नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो बी और सी ऑप्शन है वो अलाउड नहीं है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी जैम 2018 में आया था, तो लगभग दो क्वेश्चन आपसे हर साल यहाँ पे पूछे ही जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा भाई मुझे। आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth बोहर ऑर्बिट हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी है, तो आपको एन की वैल्यू बतानी है। तो देखो यार इसका मैं ना बाकी बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है ये, अगर आप इसको मतलब देखो टाइम कंज्यूमिंग है पहली बात, तो उसके बाद भी ये सोल्व नहीं होगा अगर आप सही अप्रोच से नहीं जाते हो। तो देखो भाई मैंने आपको ये जब मैंने आपको बोहर मॉडल पढ़ाया था पढ़ रहे के कोर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो मैंने आपको वहाँ पे साफ साफ बताया था, जब मैं बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स बता रहा था मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद है ना सभी को, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें पता कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है, ये बोहर ने हमें पोस्टुलेट्स दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बताया था, तो लैम्डा ये ही है आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये इक्वल होती है एच बाई एम वी के, एच बाई एम वी के इक्वल होती है। तो देखिए भाई अगर मैं यहाँ से एम वी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखो भाई तो यहाँ से मैंने जो ये एम वी की जो वैल्यू निकाली, एम वी की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से एम वी की जो वैल्यू निकलेगी वो एच बाई लैम्डा निकलेगी। तो मैं इस एच बाई लैम्डा को उठा के यहाँ पे ले गया, लैम्डा से एच से एच कैंसिल हो गया और बाकी सारा मैंने सोल्व किया, तो एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बना हमारा। अब देखो भाई आर एन रेडियस का तो दे रखा है इन्होंने, ये रहा भाई रेडियस का तो यहाँ पे दे रखा बड़ा आसानी से, तो इस रेडियस की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी भाई, ठीक है, नीचे लैम्डा, लैम्डा की एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू पुट कर दी और ये 2 बाई पाई इसको सोल्व किया, पाई की वैल्यू यही लेनी भाई जो एग्जामिनर ने बोली है, ठीक है। तो इस तरीके से लिया, एन से एन कैंसिल हो गया और यहाँ से जब आपने एन निकाला तो एन की वैल्यू आ गई आपका 4.02, इसको मैं 4 भी लिख सकता हूँ। तो देखो यार कितना शॉर्ट तरीके से, इसका मतलब n की वैल्यू 4 रही होगी। तो इसको इस क्वेश्चन को आप वैसे करने जाते तो बड़ी प्रॉब्लम होती, समझ में ही नहीं आता। ज़्यादातर बच्चे कैसे अप्रोच कर सकते हैं मैं बता भी देता हूँ, बच्चे कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे उनको लैम्डा की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, m की, वो वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी निकालने के लिए वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन इंक्रीज करेंगे, जेड बाई एन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो रहा इस तरीके से और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के भी चांस हैं, ठीक है। तो देखो यार कितना सिंपल है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ये, यहां से एम वी की वैल्यू हमने पुट कर दी एच बाई लैम्डा, एच से एच कैंसिल हो गया, आर एन की वैल्यू पुट कर दी जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दी थी वही वाली, ताकि एन से एन कैंसिल हो जाए हमारे पास सिर्फ एन। तो एग्जामिनर आपसे बस यही पूछना चाह रहा था कि आप कितना शॉर्ट इसे कर सकते हैं, कितना आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 आना था। चलिए भाई जैम 2018 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वाओ ये क्वेश्चन भाई बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन लगा मुझे ये और आपको भी लगेगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है। एक इसकी लैंग्वेज बड़ी परेशान करेगी क्वेश्चंस की, ठीक है। जैम 2017 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो ये पहला पॉइंट लिख रखा इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखो द एनर्जी रिलीज, पहली बात तो इसके ऊपर फोकस करना कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज कब होती है एनर्जी, जब आपका हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, जब एनर्जी फॉर थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। भाई जिसको ये बात समझ में नहीं आई ना वो ये क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकता। इन्होंने बोला कि थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज, अब बाल्मर सीरीज के लिए एक बात तो फिक्स होती है कि बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 होती है, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 पे आता है, N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज बोलूं तो वो क्या होगा, जब आपका देखो जब आपका 3 से, इसको हटाओ यहां से, है ना, जब आपका 3 से 2 आएगा तो वो फर्स्ट मेंबर है, 4 से जब 2 आएगा तो वो सेकंड मेंबर है, और 5 से जब 2 आएगा तो वो थर्ड मेंबर है। क्या है भाई, वो थर्ड मेंबर है। तो हमसे यही पूछा है कि थर्ड मेंबर में बताइए बाल्मर सीरीज में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जब वो 5 से 2 में आएगा तो एनर्जी रिलीज भी होगी, और ये थर्ड मेंबर बोला क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो 3 से 2 आएगा तो पहला मेंबर, 4 से 2 आएगा तो दूसरा मेंबर,
पाँच से दो आएगा तो तीसरा मेंबर, छः से दो आएगा तो फोर्थ मेंबर, इन्फिनिटी से आएगा तो लास्ट लाइन बोलते हैं, इन्फिनिटी से टू पे आता तो उसे लास्ट लाइन बोलते हैं, थ्री से टू पे आता तो इसी को हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं भाई, ये वाली बातें भी आपको याद रखनी है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का, इन्हें एक्सट्रीम लाइन्स बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है पढ़ रहे के कोर्स में। तो देखिए थर्ड मेंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब है कि N2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 होगी, N1 की वैल्यू 5 होगी क्योंकि 5 से आएगा, और N2 की वैल्यू आपका 2 हो गई, ठीक है। तो ये 13.6 जेड स्केयर, जेड यहाँ पे हमें जो है हाइड्रोजन के लिए बोला है तो इसलिए 1 पुट करेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 पुट किया, 5 का स्केयर ये स्केयर किया, यहाँ से सोल्व किया तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया ना इसका वही आया। नेगेटिव नहीं लगाना आपको, नेगेटिव नहीं लगाना, नेगेटिव तो बस ये बता रहा कि एनर्जी रिलीज हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी आएगा भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में? काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि बस आपको इस बात का ध्यान में रखना था कि थर्ड मेंबर ऑफ पाल्मर सीरीज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जैम 2017 में एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई, ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन तो बोहर मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब हमें पता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, उसका वेव नेचर भी होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो एक्सप्लेन करते हैं वेव नेचर को, जैसे डिफ्रैक्शन है, जैसे रिफ्लेक्शन है, जैसे इंटरफेरेंस है, जैसे स्कैटरिंग है। ये नॉर्मली आपका क्या करते हैं भाई, ये आपका वेव नेचर को बताते हैं कि यहाँ पे वेव नेचर है। तो डिफ्रैक्शन हो गया आपका, इंटरफेरेंस हो गया, तो ये आपका वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। उसी के बाद अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूँ या मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करूँ ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने सुना होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और कॉम्पटन स्कैटरिंग जो भी है यहाँ पे भी फोटो का यूज होता है, और फोटोन मतलब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपका पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो इन्होंने बोला था कि वेव नेचर को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस यहां पे वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग आपका पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन जो जैम 2018 में आया था। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम इज दिस। अब इन्होंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे दिया और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है हीलियम की, तो बड़ा आसान है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है। अब हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो 1s2 में होता है, हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो 1s2 में होता है, इसलिए n की जो n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 कर दिया यहाँ पे हमने, इसकी वैल्यू इसके साथ इसका स्क्वायर किया, इसको जब हमने सोल्व किया तो ये करेक्ट आंसर आ गया सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर कि आपका 39.3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका बेसिकली जेड इफेक्टिव है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं क्योंकि दो बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ पूछे नहीं गए, तो ये भी एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। 3pz ऑर्बिटल है, उसमें आपको नोड बताने हैं। तो नोड क्या होता है भाई, नोड कोई भी ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा प्लेन नोडल प्लेन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसे नोड बोलते हैं। अब नोड दो प्रकार के हो सकते हैं, रेडियल नोड्स मतलब ये आपका रेडियस भाई कितनी दूरी पे वो नोड्स है, एंगुलर नोड्स का मतलब वो किस एंगल पे नोड आपको मिल रहा है, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो इनका एक सिंपल सा फार्मूला होता जो कि हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से पता लगा था। देखो सबसे पहले तो 3pz है, तो यहाँ से n की वैल्यू पता लग गई कि 3 है, और p के लिए जो आपकी l की वैल्यू है वो 1 होती, स्मॉल l की वैल्यू, ठीक है, s के लिए 0 होती है ना, d के लिए 2 होती है, ठीक है। तो अगर रेडियल नोड्स की बात करूँ यहाँ पे, देखो ये पूरा मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा हाईलाइट करके भी रखा है कि रेडियल नोड्स का जो फार्मूला होता है वो n-l-1 होता है, ठीक है, n-l-1 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी, l की वैल्यू 1 पुट कर दी, और ये तो जब हमने देखा यहाँ से तो 3-2 1 आ गया, इसका मतलब रेडियल नोड्स एक है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। MSQ टाइप का भी आगे देखते हैं,
एंगुलर नोड्स का जो फार्मूला होता है वो एल के इक्वल ही होता है, जो एजुमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वही उसका एंगुलर नोड्स भी होता है। तो यहाँ पे एक ही तो एंगुलर नोड आएगा इसमें और एक ही आपका रेडियल नोड आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ए और सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो भाई वैसे है ना बहुत टफ टफ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डेरिवेशन करवाते हैं, ठीक है भाई ये वो देखो, लेकिन आप एनालिसिस करके देखो कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती, हाँ टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं। तो किसी बच्चे को अगर डिटेल में नहीं है, देखो पढ़नी चाहिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे के पास टाइम की कमी है, कंटेंट की कमी है, तो वो आपका टॉपिक वाइज चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाए, ऐसा नहीं कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ के ही चला जाए, नहीं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका, ये जैम 2015 में बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो ये जो आप ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो स्क्रोडिंग वो मेरी ट्रिक से सोल्व हो जाएगा, देखना। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजनिक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज जेड, न्यूक्लियर चार्ज के साथ कैसे वैरी करती है एनर्जी। तो भाई मैंने अभी अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, इसको फेमस कर देना भाई आप इस ट्रिक को, और फेमस करो तो आप मेरा नाम भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको एनालिसिस करके बनाया भाई कितनी आसान हो जाए। तो इरविन नाम का स्टूडेंट जेड एन जेड स्कूल में जाता है 2220, तो इन्होंने बोला देखो एनर्जी की बात करें तो जेड, ये देखो ये इसका जेड एन जेड का मतलब कि ये ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, ऊपर होते नीचे नहीं होते, मतलब जो आपका यहाँ पे है जैसे यहाँ पे आएंगे इससे ऊपर, ठीक है। अरे बात समझ में, तो 22 लगाने का मतलब क्या था कि z का भी स्क्वायर कर दो और n का भी स्क्वायर कर दो, तो ये n इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर b। तो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिक बताई है मैंने कंप्लीट कोर्स में। तो भाई ये बात हो गई हमारी जैम 2020 से लेके और जैम 2014 तक के एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ऐसे ही मैं लगभग हर टॉपिक के कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें दिए गए कंसेप्ट अच्छे लगे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें भाई, अगर आपको लगता है लाइक करें, कमेंट करके जरूर आप बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उस चीज से ना, मन करता कि बच्चों को पसंद आ रहा तो मन करता कि भाई बनाएं इसको और ज्यादा वीडियोस बनाएं आपके लिए। तो भाई मैं लगभग हर चैप्टर का कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ऐसे ही, और पढ़ रहे पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, और वहां पे जैम 2015 से लेके जैम 2020 तक का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ है। चलिए थैंक यू।